अमृतसर शहर के पोर्श एरिए रंजीत एवेन्यू ई ब्लॉक विखे मेन सड़क की हालत बहुत खस्ता बनी हुई है और सरकार शहर के विकास कामों खोखले दावे कर रही है पर जिसकी जमीनी स्तर से सच्चाई कुछ हो रही है। जिस संबंध में लोगों वालों साड़ी फास्ट वी न्यूज़ टीम नाल गलबात करदिया सरकार और जिला प्रशासन तो मांग की गई कि इस सड़क को पहल के आधार पर बनाया जाए ता जो लोगों इस सड़क तो लंघन समय किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पवे। ये रंजीत एवेन्यू ई ब्लॉक का एरिया है जी, तो ये पॉश एरिया है सर। इस रोड की हालत इन्नी माड़ी है कि इधरों अं लंघना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। अं बारों बार आना बेशक सानू लम्मा पै जाता पर इस रोड दे है तो सो ईजली है। चलो मेन रोड है आना तो सानू इधरों चाहिए पर रोड खराब होने करके अं बारों बार लंघ जाने सर। सड़कां देखो सर तुम आ देखो की हाल हो रही है सड़कों की, इधर तो अगे होर खराब वा तो सड़कां रिपेयर होनी चाहिए सर। इधर गड्डियां का नुकसान होंदा अपना जान का भी नुकसान हो जाता सर, कोई वड्डी गल नहीं। जो टोए दे विच किसी वेले आ जाता वा तो गड्डी वज्जन का डर वा सर। चाहिए सड़कों की मेनटेन कराण जल्दी तो जल्दी ता जो कि किसी का जानी नुकसान होने तो बचाया जाए। इस वेले तो देखो जी सामने आ पूरी बुरी तरह खड्डे ही खड्डे ने महाराज, पूरे बट निकले पे आ। सरकार नूं ध्यान देना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल जी, नवी बनाउण। फास्ट वी न्यूज़ टीम अज एक बार फिर पहुंची है रंजीत एवेन्यू ई ब्लॉक विखे जिथे कि सड़क का बहुत माड़ा हाल असं पहले भी विखा चुके हैं। यह सड़क है पुलिस चौंकी तो हाउसिंग बोर्ड वाल जाती हुई मेन रोड है, पॉश एरिया है, बड़ी बड़ी कोठियां ने लेकिन सड़क का हाल तुम देखिया। लोग परेशान हैं कि एक्सीडेंट का कारण भी बन दिया ने सड़क। डिपार्टमेंट वेखे क्योंकि असं पहले भी यह न्यूज़ दे चुके हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उम्मीद है कि हुण एक्शन लिता जाएगा। कैमरा परसन अजय कुमार नाल जेपी सिंह, फास्ट वी न्यूज़ अमृतसर।